अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड द टॉपिक इज आइसोलेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। आप लोगों को पता है कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर दफ़ा आता है पार्ट टू के स्टूडेंट्स को, यानी कि नॉन स्टॉप क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, लेकिन ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप आगे माइक्रो को कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर कल्चर होता क्या है, ठीक है। हमने उसकी आइसोलेशन करनी है ना प्योर कल्चर से, प्योर कल्चर की आइसोलेशन करनी है किसे, मिक्स कल्चर से, ठीक है। तो अब देखने प्योर कल्चर क्या है। सो व्हाट इज़ प्योर कल्चर? अ लेबोरेटरी कल्चर कंटेनिंग अ सिंगल स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, क्या होता है ऐसा कल्चर लेबोरेटरी का, यानी कि लेबोरेटरी में हम एक ऐसा कल्चर तैयार करते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशी होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। यानी कि आपको पता है कि अगर हम छोटा, अगर पानी है, गंदा पानी, उसमें हम अगर थोड़ा सा लेते हैं ना एक बीकर में, तो आप 0.1 ही लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशी होंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो उसमें से हमने एक निकालना है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसी के मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्योर कल्चर होता क्या, यानी कि प्योरिटी हो, उसमें एक ही चीज़ हो, ठीक है, यानी कि उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। तो ऐसा कल्चर जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का प्योर कल्चर निकालना है, तो ऐसा कल्चर जिसमें सिर्फ एक ही इतनी प्योरिटी हो कि सिर्फ एक ही जो स्पीशी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की एग्जिस्ट करती हो, यानी कि एक से भी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम कहेंगे प्योर कल्चर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें एक ना ज़्यादा सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे एक बीकर में, ठीक है। अब उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स कल्चर, ठीक है। यानी कि मिक्स कल्चर में से हमने प्योर कल्चर को निकालना है, ठीक है। अब हमें एक बीकर में थोड़ा सा पानी निकाल के दे दिया, उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता, अब हमने ये टेक्निक्स यूज़ करनी है और उसमें से प्योर कल्चर निकालना है हर एक स्पीशी का, ठीक है। यानी डिफरेंट स्पीशीज़ है ना उसके अंदर, तो उसमें हमने हर एक का भी निकाल सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक का भी निकाल सकते हैं। तो प्योर कल्चर क्या होगा, जिसमें प्योरिटी होगी, ठीक है। यानी कि प्योर चीज़ आपको मिलेगी, एक ही सिंगल चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है एक सिंगल स्पीशी पे जब रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें इन टेक्निक्स का पता होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को लेते हैं, उसमें से सिंगल स्पीशी को निकालते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं, हमें अपना डिज़ायरेबल जो है स्पीशी मिल जाता है। किसके थ्रू, ये अब जो टेक्निक्स आइसोलेशन की उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्योर कल्चर क्या होता है, एक लेबोरेटरी की टेक्निक होती है जिसमें सिंगल स्पीशी के ऑर्गेनिज़म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के सिंगल स्पीशी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या ऐसा जो है कल्चर जिसमें एक ही स्पीशी एग्जिस्ट करती हो, प्योर फॉर्म हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, ठीक है, या कल्चर की प्योर फॉर्म हो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म की सिर्फ सिंगल स्पीशी एग्जिस्ट करती हो, उसको हम कहेंगे प्योर कल्चर, फाइन। अब प्योर कल्चर ड्राइव फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर, अब जाहिर है प्योर कल्चर कहाँ से आता है, मिक्स कल्चर होगा ना, मिक्स कल्चर क्या, जहाँ एक से ज़ायद जो हैं वो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। अच्छा, एक कॉमन सी मिसाल देती हूँ, अब हाइट है, डिफरेंट हाइट होती है, 5 से 6 तक के हमने लोग, 5 से 6 मतलब मिक्स हैं, ठीक है। एक मिक्स कल्चर है मेरे पास 30 लोगों का, ठीक है, मिक्स कल्चर है। अब उसमें से मैंने प्योर कल्चर निकालना है, मेरा डिज़ायरेबल है या 4 से 5 फुट के बीच के लोग, ठीक है, या 5 से 6 कर लें, ठीक है, 5 से 6 फुट के बीच के लोग मैंने अलग करने हैं। तो अब मैं सबकी हाइट देखूंगी, 5 से 6 वाले होंगे वो मैं अलग करती जाऊंगी, फिर वो एक जो ग्रुप बन जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा प्योर कल्चर, यानी कि ये जो है स्पेसिफिक है, ये एक ही स्पीशी समझ लें, एक ही स्पेसिफिक हाइट के, ठीक है। बाकी कोई 4 से कम है, कोई 6 से ज़्यादा है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है, मैंने अपनी स्पीशी निकाल ली, तो ये मेरे पास जो है वो प्योर कल्चर हो गया। पहले क्या था, ये मिक्स्ड कल्चर था। अब आई समझ, यानी कि अपनी डिज़ायरेबल स्पीशी को इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ में से निकाल के लेना ना, उसको हम कहते हैं प्योर कल्चर को हमने आइसोलेट कर लिया। लेकिन अब मसला ये है कि हम करेंगे कैसे, लेकिन पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लें कि प्योर कल्चर को की इम्पोर्टेंस, कि हम प्योर कल्चर कर मतलब लेते ही क्यों है, बनाते ही क्यों है, एक स्पीशी हमें चाहिए ही क्यों। अब ऑब्वियस है, मैंने इसकी बहुत एक दो आपको बता दी कि हमने स्टडी के लिए होती है, ठीक है, लेकिन अभी हम देखते हैं बाकी इम्पोर्टेंस इसकी। अच्छा, फर्स्ट वन है, डिज़ायर्ड स्पीशी कैन ग्रो वंस प्योर कल्चर इज़ आइसोलेटेड। यानी कि अब हमारे पास कोई 10 स्पीशीज़ हैं, ठीक है, एक ही बीकर में पानी है गंदा सा, उसके अंदर 10 स्पीशीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की प्रेजेंट है, हमने एक जो है वो बेनिफिशियल है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी डिजीज़ है उसकी मेडिसिन बनाने के लिए ना हमें कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म चाहिए, अब वो उन 10 माइक्रो ऑर्गेनिज़म में, ठीक है, तो अब हमें चाहिए भी बहुत ज़्यादा और वहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीशी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन मेथड्स को यूज़ करके उस स्पीशी को वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। मेथड्स क्या हैं वो आपको बता दूंगी अभी मैं,
उस स्पीशी को निकाल दिया हमने, फिर हम उसका टेम्परेचर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम पता करेंगे क्या है, हर चीज़ स्टडी करेंगे, फिर उसको वैसा ही माहौल देंगे, इन्वायरमेंट देंगे, उसकी इकोलॉजी सेम टू सेम वैसी ही करेंगे, उसका टेम्परेचर ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन करेंगे हम जितना उसको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। फिर वो स्पीशी एक से दो, दो से चार, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो स्पीशी भी ज़्यादा होगी, फिर वो हमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वहीं से हम उसको जिस भी, जो भी पर्पज़ था हमारा मेडिसिन का था, तो हम उसे मेडिसिन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि जो भी डिज़ायर, मैंने एक एग्जांपल आपको खुद से दिया, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत से और यूजेस होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो जो भी हमें चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए चाहिए, हम वो स्पीशी पहले आइसोलेट करते हैं, कहाँ से, मिक्स कल्चर से, उसका प्योर कल्चर बनाते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, और फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ करवाते हैं, उसको जो है उसका डिज़ायरेबल टेम्परेचर इन्वायरमेंट देकर, और जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, फिर हम उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यूज्ड फॉर एक्यूरेट स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब ये मैंने पहले जो एग्जांपल दी, इसी को लेकर चलेंगे। अब मैंने क्या करना था कि एक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनानी थी, ठीक है। तो अब हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स तो स्टडी करने हैं ना, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो पहले वो, अब मिक्स कल्चर में मुझे क्या पता कि कौन सी स्पीशी है, उठा के मैं स्टडी करना शुरू कर, पहले उसको आइसोलेट करेंगे उस मिक्स कल्चर में से, उसको प्योर कल्चर बनाएंगे। अब वो स्पीशी मेरे हाथ में, ठीक है, अब स्पीशी मेरे पास है, अब मैंने क्या करना है कि उसको स्टडी करना है। अब मैं, आसान हो जाएगा कि यार मैं इसके अकॉर्डिंग जो है स्टडी कर सकती हूँ, ठीक है, उसका देखूंगी कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, माइक्रोस्कोप में देखूंगी। अगर मैं वो मिक्स कल्चर उठा के माइक्रोस्कोप के अंडर रख लेती ना, तो मुझे कुछ समझ जाती कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जा रहा है, कौन सा क्या है। तो वो सिंगल है, अब मैं उसकी स्टडी करूंगी, उसके ईच एंड एवरीथिंग देखूंगी, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको वैसा इन्वायरमेंट दूंगी, और तभी वो ग्रो करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, अब थर्ड पे चलते हैं। अच्छा जी, प्योर कल्चर इंश्योर्स द सेम रिजल्ट आफ्टर रिपीटेशन ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं ना कि एक दफ़ा किया तो रिजल्ट कुछ आया, दूसरी दफ़ा किया तो रिजल्ट कुछ आया, तीसरी दफ़ा किया तो पहले जैसा आ गया, चौथी दफ़ा किया तो दूसरे जैसा आ गया, यानी कन्फ्यूजन में ही रहते हैं वो एक्सपेरिमेंट, मतलब वो जो मेथड है ना, वो मेथड ही ठीक नहीं है, ठीक है। यानी कि आप उसमें कोई प्रॉब्लम, प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं आ रही, ठीक है, तो 0.001 का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा मेथड है प्योर कल्चर कि यहाँ से जितनी दफ़ा किया ना, हमें एक्यूरेट रिजल्ट ही मिला है। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा, यही मेथड यूज़ होता है, जो सिंपल बात है, क्योंकि ये प्रॉपर एक्यूरेसी आपको देता है, ठीक है, 110% आपको अच्छा ही रिजल्ट देता है, और मतलब सेम रिजल्ट देता है, ये नहीं कि एक दफ़ा में कोई स्पीशी आ गई, एक दफ़ा में कोई स्पीशी आ गई, नहीं, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी इसमें 110% है, यानी इसमें आपको बिल्कुल 0.01 फॉल्ट भी नज़र नहीं आता, ठीक है, हर दफ़ा आपको सेम का सेम ही रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली जब आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक फार्मूले से करेंगे आंसर आपके 2-3 सेम आएंगे, ठीक है, दूसरे से करेंगे चेंज आएंगे, तो आप किसको फॉलो करेंगे, आप उसी मतलब फार्मूले को फॉलो करेंगे ना जिससे आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है, ठीक है। तो सेम एज जो प्योर कल्चर है ना, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे स्पीशीज़ वगैरह की स्टडी कर लेते हैं, यानी हमें वो बिल्कुल प्योर कल्चर ही देता है जो स्पीशी हमें चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, जो पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं ना होता, वो उसी टाइम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें, ताकि आप लोगों को भी याद रहे और मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, हाँ, इन प्योर कल्चर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट इज़ वेरी स्लो। प्योर कल्चर का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पे जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नहीं होती। म्यूटेशन आपको पता है, जीन्स का जो है चेंज हो जाना, ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, तो डुप्लीकेशन हो जाना, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का ही रिजल्ट तो सिकल सेल एनीमिया है ह्यूमन बींग्स में, तो यह आप लोगों को पता ही है, इस पर अच्छी खासी सेकेंड ईयर में आपने जो म्यूटेशन पर स्टडी की हुई है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में भी की होगी। अच्छा, खैर, हम क्या कहते हैं कि प्योर कल्चर का क्या एक बेनिफिट है कि यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होती, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी नहीं होती। अभी चार मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम प्योर कल्चर को जो है आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आइसोलेशन के मेथड हैं कौन कौन से, ठीक है, प्योर कल्चर के आइसोलेशन के कौन कौन से मेथड हैं। सो मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, देर आर 5 डिफरेंट मेथड्स फॉर आइसोलेटिंग प्योर कल्चर, यानी कि 5 मेथड्स होते हैं जिससे हम मिक्स कल्चर से प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकंड वन इज़ पोर प्लेट मेथड। अच्छा, ये बहुत ही इजी, एक ही चीज़ करनी है इसमें हमें, लेकिन नेम्स याद रखिएगा, थोड़े से मेथड चेंज होगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टॉपिक है, अगर आप लोग समझ के करते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, आपको मज़ा आने वाला है ये लेक्चर पढ़ते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रीक प्लेट मेथड, सेकेंड वन पोर प्लेट मेथड, थर्ड वन इज़ स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ वन इज़ रोल ट्यूब मेथड, एंड फिफ्थ वन इज़ माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड, ठीक है।
अच्छा, अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रीक प्लेट मेथड क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम ये दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज़ होंगी इन मेथड्स में, तो आप पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है, इनोकुलेशन, ठीक है, और सेकेंड वन क्या है, इनक्यूबेशन, यानी कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट 90% जो है वो सेम है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अगर मैं बीच में बताती तो आप लोगों को समझ ना आती, इसलिए पहले ही क्लियर कर लें, ठीक है। इनोकुलेशन क्या होता है कि बैक्टीरिया को ना ट्रांसफ़र करना एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, यानी कि एक भी दो बीकर है हमारे पास, ठीक है, एक प्योर मतलब खाली, उसमें पानी कुछ भी नहीं है, ठीक है, दूसरे में मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, ठीक है। हमने क्या किया कि मिक्स्ड कल्चर में से कोई बैक्टीरिया उठा के दूसरे में डाल दिए ना, इसको क्या कहते हैं, इनोकुलेशन, ठीक है, ये तो समझ आ गई। अब है नेक्स्ट इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, किसमें, डेवलपमेंटल में, चिक के डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक टॉपिक था चिक डेवलपमेंट, उसमें, यानी कि इनक्यूबेशन एक ऐसा मतलब प्रोसीजर है जिसमें हम इनक्यूबेटर के थ्रू डेवलपमेंट करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। अब इनक्यूबेटर जो है वो हर चीज़ की डेवलपमेंट के लिए होता है। अब मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था वो चिक की डेवलपमेंट के लिए था, यानी कि हम क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक इनक्यूबेटर मशीन होती है, ठीक है, कोई भी मशीन जो कि इनक्यूबेशन का काम करती हो उसको इनक्यूबेटर कहते हैं, सिंपल। तो एक मशीन होती है, उसके अंदर हम उस अंडे को रख लेते हैं, उसका टेम्परेचर 38.5 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। अब उसको कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं जो उसका टाइम पीरियड होता है, फिर उन दिनों उसके बाद कहते हैं वहाँ से एक जो चिक की डेवलपमेंट हो जाती है, एक बेबी निकल आता है, ठीक है, यानी एक चिक की फॉर्मेशन होती है। तो ये किस प्रोसीजर के थ्रू, हमने कोई जो है हमने ये लेबॉरेटरी में किया, अपने घर में भी आप कर सकते हैं इनक्यूबेटर के थ्रू। तो सेम एज़ बैक्टीरिया की ग्रोथ जब हम एक मशीन में करवाते हैं, उस मशीन को कहेंगे इनक्यूबेटर और इस प्रोसीजर को कहेंगे इनक्यूबेशन, ठीक है। अब लिखा क्या है, व्हेन अ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र और पुट इन अ मीडिया फॉर ग्रोथ, यानी कि अब जब हम बैक्टीरिया को ऐसे मीडिया में रख दें जहाँ पर उसकी ग्रोथ हो, तो उसको क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को हम इनक्यूबेशन कहेंगे, और उस मीडिया को यानी उस मशीन को जिसके अंदर हमने रखा है वो मीडिया जिसके अंदर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है ग्रोथ के लिए, तो उस मशीन को हम इनक्यूबेटर कहेंगे। अब आपको समझे इनक्यूबेटर इनोकुलेशन की, ठीक है। इनोकुलेशन में क्या होता है, सिर्फ एक बैक्टीरिया को उठा के एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में डाल दो, और इनक्यूबेशन क्या होता है कि उस बैक्टीरिया को किसी ऐसे सिस्टम में डाल दो जहाँ पर उसकी ग्रोथ हो, उसको फेवरेबल इकोलॉजी, उसके इन्वायरमेंट दिया जाए और उसकी ग्रोथ हो, तो उसको हम इनक्यूबेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं जी मेथड्स पर, बहुत मज़े के मेथड्स हैं, इट्स माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है, स्ट्रीक प्लेट मेथड। तो स्ट्रीक प्लेट मेथड होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कि पांच मेथड्स है ना, तो उसमें से मोस्टली यूज़ होने वाला कौन सा, स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है, यानी कि स्ट्रीक प्लेट मेथड को ही जो मैंने उस दिन आप लोगों को थ्रॉट कल्चर की एग्जांपल दी थी, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड कौन सा, स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। और जी स्ट्रीक, अब मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाती हूँ, ठीक है, लिखा हुआ तो आप खुद भी लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं। अच्छा, स्ट्रीक प्लेट मेथड क्या होता है, ये स्ट्रीकिंग के थ्रू होता है, ठीक है, यानी लाइनिंग लगाना होता है ना, उसके थ्रू होता है। और आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि वो लाइनिंग किससे लगेगी, ठीक है, स्ट्रीकिंग होगी किससे, लूप वायर के थ्रू, जिसको मैंने बहुत ही फजूल सी एग्जाम्पल दी थी, शायद आप लोगों को समझ आई थी या नहीं आई थी, वो बलून्स वाली, बच्चे जो बुलाते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह की एक लूप होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम स्ट्रीकिंग करते हैं, एक सॉलिड सा मीडियम होता है उसके ऊपर, किसे, एक पता है क्या, उसको हम क्या करते हैं, उस लूप को हम एक ऐसे मिक्स्ड कल्चर अब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, मिक्स्ड कल्चर में डाला, तो अब उसके इर्द गिर्द बहुत से बैक्टीरिया लग गए उस लूप के, फिर उस लूप को एक जो है पेट्री डिश है उसके ऊपर, एगर की प्लेट है, उस पर हमने स्ट्रीकिंग की, तीन चार लाइन्स लगाई एक ही सेम ऑर्डर में, ठीक है, अब वो कुछ बैक्टीरिया वहाँ लग गए, फिर उसको नेक्स्ट स्टार्ट किया, फिर उस लाइन्स लगाते गए फिर वो क्या डाइल्यूशन होती जाएगी और फिर हमें एक प्योर कल्चर, एक स्पीशी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, जो लास्ट तक एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। अच्छा, पढ़ भी लें, आपके स्ट्रीक प्लेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रीकिंग, सिंपल, जो मैंने आपको बताया, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्स्ड कल्चर ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड मीडियम, स्ट्रीकिंग अक्कर थ्रू आ लूप वायर, यानी कि एक मिक्स्ड कल्चर पे हम लोगों ने एक जो है सॉलिड मीडियम पे हमने मिक्स कल्चर ले लेना, ठीक है, किसके थ्रू ले लेना है, लूप वायर के थ्रू, और स्ट्रीकिंग भी किसके थ्रू होती है, लूप वायर के थ्रू। अब इसको डायग्राम से देखते हैं हम, यानी कि ये देखें, ये लूप वायर अब आपको नज़र आ रही होगी, याद है इसी को हम एक सोल्यूशन में डिप करके तो पीछे से भूख सी मारते तो वो एक बलून्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और इसी हम मतलब बचपन में हमने बहुत किया होगा, आपको भी पता होगा। तो ये होती है लूप वायर, हमें ये एग्जांपल दे रही थी, शायद अब आप लोगों को समझ आई हो। तो अच्छा, क्या ये लूप वायर है, ठीक है, और ये पेट्री डिश है, और एक क्या
ऐसा कल्चर यानी स्टॉक कल्चर जिसको कहते हैं, यानी मिक्स्ड कल्चर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टॉक कल्चर ले लेना, एक पेट्री डिश ले लेनी है और एक लूप वायर ले लेनी है। अब इस लूप वायर को हमने डाल दिया स्टॉक कल्चर में, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उसको डाल के अब क्या किया हमने, उस एक पेट्री डिशेस के ऊपर एगर की जो है लेयर लगी हुई है उस पर इस तरह स्ट्रीकिंग करके लाइनें मार दी, ठीक है, किसके थ्रू, लूप के थ्रू, ठीक है। फिर क्या किया, सेकंड सेट में हमने आगे मार दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह हमने लगाते रहने 4 या 5 सेट्स बना देने। इससे क्या होगा कि ये इनक्यूबेट हो जाएगा, ठीक है, 24 या 48 आवर्स तक, और ये डाइल्यूशन हो जाएगी डाइल, और फिर हमें क्या होगा कि जिस तरह क्लोनी से आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं ऐसे आएंगी, और एंड पे हम जो है अपना प्योर जो एक हमें स्पीशीज चाहिए ना वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पहली जब हमने पहले सेट में जब हमने स्ट्रीकिंग की थी ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में थोड़ी कम हो गई, फिर उससे वाले में कम हो गई, फिर एंड वाले में कम हो गई, और जो लास्ट पे रह गई ना वो क्या थी, हमारी डिज़ायरेबल स्पीशी थी। सिंपल एक निकालने का तरीका ये होता है। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये देख लेते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रीकिंग, यानी स्ट्रीकिंग के प्रिंसिपल पे ये मेथड जो है वो बेस करता है, ठीक है। आर डाइल्यूशन ग्रेडियंट अकर और गेट एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द सर्फेस ऑफ पेट्री डिश, यानी कि उस पेट्री डिश पर जब हम स्ट्रीकिंग करते हैं तो एक डाइल्यूशन ग्रेडियंट अकर होता है, ठीक है। कहाँ पर, उस पेट्री डिश पर, मैंने आपको बताया डाइल्यूशन होगी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा वो थिक था, फिर थिन होता जाएगा, थिन होता जाएगा और कम होती जाएंगी क्लोनीज, तो डाइल्यूशन होती है, ठीक है। ड्यू टू डाइल्यूशन ग्रेडियंट डिफरेंट क्लोनीज ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म और अपीयर। अब डाइल्यूशन जैसे होती जाएगी तो इस तरह बहुत सी जो है क्लोनीज किसकी, बैक्टीरिया की, अपीयर होती जाएंगी, हमें नज़र आती जाएंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है एगर सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। दिस मैनिपुलेशन थिन्स आउट बैक्टीरिया ऑन एगर सरफेस, यानी इस डाइल्यूशन की वजह से ना बैक्टीरिया क्या होगा, वो एगर की सरफेस पर आ जाएगा, जिससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं जो उन सभी बैक्टीरिया। अब वहाँ पर देखें, अब उस पेट्री डिश पे सारे बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, सारे आ गए। पहले वो एक सॉल्यूशन में थे, हमें निकालना बहुत मुश्किल था, अब वो हर स्ट्रीकिंग में ना कोई बैक्टीरिया आया हुआ है। अब हम उससे देखेंगे कि हमारा डिज़ायरेबल कौन सा है और हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आगे समझ इस मेथड की, कैसे हम स्ट्रीकिंग के थ्रू जो है अपना डिज़ायरेबल बैक्टीरिया थिन आउट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा अपने वर्ड्स में एक दफ़ा समझाती हूँ। स्ट्रीकिंग की हमने एक, हम उससे बीकर से क्यों नहीं निकाल सकते बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, हमें तो नज़र भी नहीं आ रहे सही तरह, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमें वैसे ही पढ़ा था कि इतने छोटे होते हैं, उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसे निकालेंगे कैसे हम, ठीक है, इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया, इतनी ज़्यादा स्पीशीज से। तो उसको स्ट्रीकिंग के थ्रू फैला देते हैं हम, किस पे, पेट्री डिश पर, एगर लगी है उसके ऊपर फैला देते हैं, इतने के दूर दूर हो जाती हैं स्पीशीज, फिर उसमें से भी जो हमें चाहिए हम उठा लेते हैं। सिंपल बात ही खत्म, मैंने बहुत आसान वर्ड्स में आपको समझाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा देखते हैं कि स्ट्रीकिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यानी किस तरह हम एगर पर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने जो आपको बताया वो बी वाला है, ठीक है, आप इस जो ए में लिखा है उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, सी वाला भी कर सकते हैं, डी वाला भी कर सकते हैं, ई वाले तरीके से भी कर सकते हैं, पर हमने उसकी डाइल्यूशन करनी है, उसको सेपरेट करना है, अपनी स्पीशी निकालनी है, जिस भी तरीके से आप करें। तो ये 6 जो मेथड है ना ये कॉमनली यूज़ होते हैं, इसमें से आपको जो पसंद है आप करें। आपने अपना रिजल्ट जो मतलब मोटिव है हमारा एक कि हमने अपना प्योर कल्चर निकालना है, तो कोई भी मेथड यूज़ करें, अपना प्योर कल्चर निकालें ये, लेकिन मैंने सिर्फ अभी एक मेथड बताया, ठीक है, बाकी सभी आसान है। आप मुझे मतलब पसंद आए बहुत ज़्यादा, मे भी आपको भी पसंद आया मेथड, समझ भी आ गया होगा, ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं पेट्री डिश का, ठीक है, कि पेट्री डिश कंटेन अ थिन लेयर ऑफ एगर ऑन विच स्ट्रीकिंग अकर, ठीक है। जैसे मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, ठीक है, कि पेट्री डिश पर एक एगर की लेयर होगी, ठीक है, उस लेयर के ऊपर जो है हम स्ट्रीकिंग का मेथड करेंगे, ठीक है। सिंपल, ये बस याद रखिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि जो एग्जामिनर उसको नजर आए और समझने वाले को भी समझ आ जाए। जी आगे एग्जांपल आ गई इसकी थ्रोट कल्चर की, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि थ्रोट कल्चर की एग्जांपल है इसमें आती है, और ये मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम उसके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, कि थ्रोट कल्चर की इसमें एग्जाम्पल है, और वहाँ पर मैंने थ्रोट कल्चर को एक्सप्लेन भी किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अगर जिसको मतलब क्लियर नहीं है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख ले तो उसको समझ आ जाएगी कि थ्रोट कल्चर क्या होता है, आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 4 मेथड्स रह गए हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें है पोर प्लेट मेथड है, स्प्रेड प्लेट मेथड, रोल ट्यूब मेथड और माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड, ठीक है। वो 4 मेथड्स भी क्या हैं, आइसोलेशन के ही हैं, किसके, प्योर कल्चर के, यानी कि बैक्टीरिया की कोई सिंगल स्पीशी को मतलब निकालना एक मिक्स्ड कल्चर में से, यानी या तो एक प्योर कल्चर को ड्राइव करना एक मिक्स कल्चर में से,
तो उसके मेथड्स चार रह गए हैं। आज हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड को डिस्कस कर लिया है जिसमें थ्रोट कल्चर भी है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ आ जाए तो मतलब आपका बेस्ट टॉपिक बनेगा। ठीक है, तो अगर जो चीज़ नहीं समझ आई मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा मेंशन होता है। नोट्स चाहिए हो तो आप उस पर टेक्स्ट कर दिया करें अपने नेम के साथ, और मेल भी मेरी मेंशन होती है, आप मेल भी कर सकते हैं। और सेकंड थिंग के दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन पे मौजूद होगा, उसको भी काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा सब। खुदा हाफिज़।